सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलमजन भाई। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? तरफ फाइनली मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका हूँ और एमवी बंटाई की जो एल्बम है 8 साल, उसका साइड ए यानी फर्स्ट पार्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आउट हो चुका है। जाके स्ट्रीम करो, सुनो और भाई मुझे बताओ एल्बम कैसी लगी, या तुम खुद ही सुन लो और अपने में देखो तुम एल्बम कैसी लगी। भाई जहाँ तक मैंने हिप हॉप पेजेस के रिव्यूज़ देखे मैंने सुबह उठ के, तो भाई वो कह रहे हैं कि मालूम है ना एल्बम से काफ़ी अच्छी एल्बम गई है ये वाली। तो भाई हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम रिएक्शन वीडियो करेंगे भाई चौको गाने का, क्योंकि चौको गाने की रात के 12 बजे ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आ गई थी, इसलिए हम रिएक्शन करेंगे इस गाने का। ठीक है, और तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई तुम्हें जो 8 साल साइड ए एल्बम है उसका पूरा एक रिएक्शन वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर मेरे को ज़्यादा मतलब 10-15 भी कमेंट्स आ गए कि भाई फुल एल्बम रिव्यू चाहिए, फुल एल्बम रिएक्शन प्लस रिव्यू चाहिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो वीडियो तुम्हें ला के दे दूंगा। ऑलमोस्ट कितने की होगी, 1 घंटे की होगी, तो वो सभी आप ही देख लेना। लेकिन उससे पहले भाई अगर वीडियो पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वाली पसंद आए तो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यूज़ एंड ओपिनियंस बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम करेंगे इस चौको गाने की रिएक्शन की वीडियो। ठीक है, मतलब रिएक्शन करेंगे भाई इस वीडियो का। ओके, व्हाट द फक। ओके भाई, तो ये रही टाइटल में लिखा है एमवी चोको ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो और अलग से लिखा है एक्सप्लिक, तो देखते भाई किसी के लिए सबलिमिनल्स या शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं, फिर गाना फ्रेशली एकदम वाइब में जाएगा। तो भाई फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। शॉर्ट एंड रिलीज विद इन 20 आवर्स। ओ मतलब ये All फ्रेशली वीडियो right. रिकॉर्डेड है। मालूम है ना सिग्नेचर लाइन क्या बोल दे. हाँ मैडम वो सिखा रहे साले, मैं तो कितने पहले से दिखा रहा. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीसी ऑन थी और पता लग गया शॉर्ट्स होने वाले, और ये वीडियो में निंजा का कंसेप्ट काफी सिक सा लग रहा है। मैडम वो सिखा रहे साले, मैं तो कितने पहले से दिखा रहा. पुराने गाने को सुन, इन्हें लिखने भी नहीं आ रहा, मैं तो दिखने में नहीं आ रहा, क्योंकि भेरे इनके कान, मेरा नाम डिमांड रैपर कर रहे, मजाक मैं तो करूँ कौन. ओके ओके, तो एमवे साइड की मेटाफोर्स ही मेरे को दिखा रहे हैं, और तुम्हें पता है मेटाफर्स कौन दिखाता है? मेटाफर्स मीनिंग यार वर्ड प्लेस वगैरह करना जो भी है। ठीक है, लाइक वाना कम एंड वाना कम ऐसे टाइप कोई मेटाफर्स, और भी कुछ कहते हैं यार, सिलेबल, सिमिलीज, सिमिलीज भी एक होता है, और मेरा उसको दिमाग से भी निकल गया, तो वही कह रहे हैं मेटाफर दिखा रहे हैं, मैं तो कितने पहले से कर रहा हूँ। ठीक है, जाके सुन मेरे पुराने गाने। ओके 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 ओके, ओके। मतलब शॉर्ट्स होने वाले भाई। को सुन, इन्हें लिखने भी नहीं आ रहा, मैं तो दिखने में नहीं आ रहा, क्योंकि भेरे इनके कान, मेरा नाम डिमांड रैपर कर रहे, मजाक मैं तो करूं कॉमेडी बन, मोहम्मद अली बन, बोला मैंने खुद को कसा का नो कंपटीशन 100%, बोलो खुद को वन में नामी, मैं सुना मैं सुना नहीं, किस के रेस के लिए जब भी खेस के बेस के जैसे मैं सुना भी मैं सुना नहीं, खराब नहीं अगली है छतरी, मुझे बार बार में लग रहा काफी टेस्टी है, अगर काफी बेसिक मेरा फ्लो वसन बोल वाली रेसिंग है, छपरे मेरी रेसिंग मेरी खबरी बेटे मेन से खबर दे, मुझे सब की खबर दे, तैयार हो जाए इनकी चुनने वाली सबको खत्म। भाई ये ब्रीथलेस गया भाई, ये वर्स मतलब एकदम चॉपर फ्लो है भाई, एकदम चॉपर फ्लो है भाई, और गाना काफ मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना मैं तुम्हें लिरिक्स एक्सप्लेन करता, लेकिन लिरिक्स नॉर्मल हिंदी में ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए तुम खुद समझ लेना, लेकिन भाई फ्लो, आई लव दिस एनर्जी यार, एमवी बंटा की एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है। केस के रेस के लिए जब भी खेस के बेस के जैसे मीट वी के ठीक है करवा करेंगे बेस्ट खराब नहीं अगली है छतरी, मुझे बार बार में लग रहा काफी टेस्टी है, अगर काफी बेसिक मेरा फ्लो वसन बोल वाली रेसिंग है, छपरे मेरी रेसिंग मेरी खबरी बेटे मेन से खबर दे, मुझे सबकी खबर खुदने वाले चुनने वाले, अपन तैयार हो जाए इनकी चुनने वाली सबको खत्म करना जानता हूं, क्योंकि मेरे क्रिमिनल थॉट्स ले मेरा सॉसेज नहीं करना, डिस्क के लंबे सबलिमिनल शॉट्स करूं मैं पॉज करें इनका पहले नजर तो पहुंचा, सबको खत्म करना जानता हूं, क्योंकि मेरे क्रिमिनल थॉट्स ले मेरा सॉसेज नहीं करना, डिस्क के लंबे सबलिमिनल शॉट्स करूं मैं पॉज करें इनका पहले नजर तो पहुंचा, पहले नजर तो पहुंचा उसके बाद मेरी सोच बाद में अब मिल गया तो आओ फिर दिलूंगा चोको चोको। ओके मैं सोचा था भाई चोको मतलब कुछ और वर्ड होगा, चॉकलेट वगैरह, तो चोको इट्स बीन दे दूंगा चोको, समझ जाओ समझ जाओ, उसके बाद मेरी सोच अगर मिल गया तो यार एक मिनट, सीसी ऑन ही करनी पड़ेगी तभी शायद, स्पेशली सीसी डाल रखी है।
आइलैंड लाइक मैडागास्कर, ओके आई विल बिल्ड एन आइलैंड लाइक मैडागास्कर, ओके भाई का गुस्सा तो मर पाएगा, मैडागास्कर जितना बड़ा आइलैंड बनता बनवाएगा, भड़काएगा भड़काएगा फैंस को कैसे बढ़ पाएगा, भिड़ पाएगा मेरे से फिर भी कभी ना जीत पाएगा तू, ओके क्योंकि मेरा अलग ही लेवल है, एंटोफिल से सीधा बदला बेटा पहुंचेगा बेवल हेल रेडी टू किल सन मिचिंग वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग एंटोफिल टॉप रैप आइलैंड विच विल बीट पे रीप्ले होगी इतने स्पीड से करे लाइव बिना ट्रैवल क्योंकि मैं हूं बीट पे डीप है मेरी बातचीत समंदर से भी ज्यादा समझ में आया क्या बनाया जब समझ में नहीं आया फिर पता चला सबको कि मैं कितना बड़ा मदर से दूं मेरे तक मेरे बराबरी करने वाले बट अच्छा मतलब ये लाइन जो थी वो इसी गाने में थी, ओके तो भाई हिप हॉप पेजेस स्टोरी लगा रहे थे, मैं हिप हॉप पेजेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो लगा रहे थे कि एम वी बनता है अपने आप को ही मादर चौथ बोल रहा गाने में, ठीक है और दोबारा सुनते हैं फिर मैं कुछ बताता हूँ। समझ में आया क्या बनाया जब समझ में नहीं आया फिर पता चला सबको कि मैं कितना बड़ा मादर से दूं मेरे तो भाई कृष्णा ने भी अपने एक गाने में बोला था कि मेरा डिश सुन के या कुछ भी जो लाइन ऐड करे थे उसके आगे ऐड किए थे एड लिप्स कि मैं मादर चोद हूँ जो यहाँ आया, और वो डिस्ट्रैक्ट था एमी वनटाई के लिए, और ना एमी वनटाई खुद ही कह रहे हैं कि फिर सबको पता लगा कि तड़ा मादर चोद जो यहाँ आया, ओके तो भाई कोई बड़ी बात नहीं कि एमी वनटाई खुद को गाली दे रहा है, फॉर मी मैं भी भाई खुद को गाली देते रहो, कोई मेरे को गाली देता है मैं उल्टी अपने आप को 10 गाली देता हूँ ताकि आगे वाले का ही मुंह बंद हो जाए, क्योंकि मैं खुद को गाली दे रहा हूँ तो ना मेरे को असर पड़ेगा ना वो दे रहा तो ना मेरे को असर पड़ेगा, ठीक है देखो गाली से कुछ नहीं होता, ठीक है तो ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर माँ बहन की दे तो माँ चोद दो वो बात अलग है, लेकिन मैं भी खुद को गाल देता रहता हूँ भाई चूतिया हूँ ये हूँ वो हूँ मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ खुद को, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बातचीत समंदर से भी ज्यादा समझ में आया क्या बनाया जब समझ में नहीं आया फिर पता चला सबको कि मैं कितना बड़ा डीप है मेरी बातचीत समंदर से भी ज्यादा समझ में आया क्या बनाया समंदर से भी ज्यादा समझ में आया जब मैंने गाना बनाया समझ में आया क्या, ओके समझ में नहीं आया फिर पता चला समझ में नहीं बड़ा मादर से दू मेरे तक मेरे बराबरी करने वाले आए तो फिर कैसे छोड़ू चल बेचो दू बोल के मैं तो कितने को छोड़ू हाथों को जोड़ू क्योंकि बाप हूं मैं समझा क्या लोड़ू जब भी जाता हूं मैं हो जाता हूं जल्दी भीड़ सबके भेजे मैं गुस्सा में जैसे मैं हूं सेंटीपीड हूं मैं ग्रोन अप मैन आई डोंट रियली फक विद इट फील लाइक पोकेमॉन क्योंकि हर एक मिनट जाता मगर दी भीड़ सबके भेजे मैं गुस्सा में जैसे मैं हूं सेंटीपीड हूं मैं सेंटीपीड मैं सेंटीपीड क्या होता भाई सेंटीपीड कोई वायरस कीड़ा टाइप होता है क्या जो सबके दिमाग में घुसता है और आई एम ग्रोन अप मैन आई डोंट रियली फक विद किड्स आई फील लाइक अ पोकेमॉन बिकॉज एवरी टाइम आई इवॉल्व ओके मतलब मैं पोकेमॉन की तरह फील करता हूँ क्योंकि एवरी टाइम आई इवॉल्व और जो अगर तुमने पोकेमॉन देखा तो उसमें बताएं कि जो एक पोकेमॉन होता है वो अपने हर टाइम पे अपनी स्किल्स बढ़ाता रहता है या डेवलप होता रहता है और उनके तीन स्टेजेस भी होते हैं और कोई कोई पोकेमॉन ऐसा भी था कि जिसके फोर स्टेजेस होते थे तो आई डोंट नो भाई एवरी वन टाइम कौन से वाले पोकेमॉन है बट भाई एनर्जी तो बहुत है भाई गाने में ग्रोन अप मैन आई डोंट रियली फक विद इट फील लाइक पोकेमॉन क्योंकि हर बार किया भी किसी हैप्पी वी ब्रेक मेरे लिए बने खुद ने छह मुद्दा शॉटी को बोलते रहे आके सक में देख काफी कछुए बोले इंटरनेट पे बेटा हूं पटेल ऐसे लोगों को बोलूं मैं कभी मुझे सामने देख सबको खत्म करना जानता हूं काफी कछुए बोले इंटरनेट पे बेटा हूं पटेल ऐसे लोगों को बोलूं मैं कभी मुझे सामने देख सबको खत्म करना जानता हूं क्योंकि मैंने क्रिमिनल थॉट्स ले मेरा सॉसेज नहीं करना दिस किल में सबलिमिनल शॉट्स करूं मैं पॉज करें इनका पहले नजर तो पहुंचा सबको खत्म करना जानता हूं क्योंकि मैंने क्रिमिनल थॉट्स ले मेरा सॉसेज नहीं करना दिस किल में सबलिमिनल शॉट्स करूं मैं पॉज अरे बंटा है अपने ही डिक को क्या क्या बोले जा रहा है यार कभी चोको बोल रहा है कभी सॉसेज बोल रहा है भाई क्या क्या बना दिया भाई इस अपने डिक को पहले नजर तो पहुंचा उसके बाद मेरी सोच बाद में मिल गया तो आओ फिर दे दूंगा चोको पहले नजर तो पहुंचा उसके बाद मेरी सोच अगर मिल गया तो पहले नजर तो पहुंचा उसके बाद मेरी सोच भाई ये जो स्टंट कर रहे हैं ये खुद एमए बंटा या कोई स्टंट मैन रखा है अगर एमए बंटा कर रहा तो वाह एमए बंटा में बहुत टैलेंट है भाई अगर मिल गया तो दे दूंगा चोको आई नेवर लीव माय पोजीशन cuz आई बी थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई डू मोर बट आई एम सॉरी हिप हॉप इन द मॉल पुट अप इन द ग्लास राउंड इन द मॉल लुकिंग फॉर सम भाई ये गाना आउट ऑफ संपर्क है माय सॉन्ग्स थेरेपी एवरीबॉडी इज टेकिंग अ हिट लाइक माय सॉन्ग्स गोना बी आई बी चिलिंग लाइक अ विलन लाइक अ बॉब मार्ली लिविंग मदरफकर्स बी लाइक अ मॉनोली डैम सन भाई सिनेमैटिक्स बहुत तगड़े दिखाई है भाई और एडिटिंग सिनेमैटिक्स की एडिटिंग भी होती है ना तभी वो सिनेमैटिक सिनेमैटिक लगता है ओके ओके तो भाई अपना गाना होता है खत्म और भाई गाने की बात करें तो भाई व्हाट द फक इज दिस भाई ये क्या ट्रैक था भाई मतलब शॉर्ट्स एंड सबलिमिनल्स तो थे ही थोड़े ठीक है और वो तुम्हें पता है किसके लिए होंगे लेकिन भाई इस गाने में एनर्जी चॉपर फ्लो भाई क्या थे ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मतलब पूरा गाना ही हुक या कोरस को छोड़ के पूरा गाना ही जो जितने भी तीन वर्स थे हाँ तीन ही वर्स थे वो पूरा भाई ऐसे इतने फास्ट फ्लो में गया मतलब
आउट ऑफ संपर्क क्या ना पड़ेगा भाई, आउट ऑफ संपर्क, क्योंकि टन भाई रुक ही नहीं रहा, ब्रीथ लेस सिस्टम चल रहा भाई, एमए वन आएगा। तो भाई पर्सनली आई लव दिस ट्रैक, और सिर्फ लव से काम नहीं चलेगा भाई, बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई देखो लिरिक्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो ना हो, इतने ज़्यादा बार हिट, मतलब बार्स हिट करें ना करें, स्ट्रॉन्ग हो ना हो गाने की लिरिक्स, लेकिन भाई एनर्जी और फ्लोस की हमें बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो आर्टिस्ट कोई भी हो अप्रिशिएशन बनती है अगर उसका काम अच्छा है तो, ठीक है। देखो लिरिक्स अगर वो खराब लिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंटाई भाई लिरिक्स खराब लिख रहे, भाई लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मैं एक आर्टिस्ट की बात करूँ, मान लो जो एक आर्टिस्ट है जो कोई लिरिक्स अच्छी नहीं लिख रहा, वो टाइम के हिसाब से खुद इन्वॉल्व होगा या इवॉल्व होगा, ठीक है। इन्वॉल्व मतलब लिरिक्स में इन्वॉल्व होगा, तुम ये मत कहना कि मेरी इंग्लिश गलत है, और इन्वॉल्व होगा लिरिक्स में तो वो धीरे धीरे इवॉल्व भी होगा, तो वो धीरे धीरे वही बात है सीखता जाएगा। लेकिन भाई एमवे बंटाई एनर्जी भाई बहुत हार्ड है भाई, एमवे बंटाई की एनर्जी देखी है मैंने भाई, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और अभी तो भाई एल्बम का एक गाना है जिसमें शॉर्ट्स है, और बाकी अभी तो टाइटल ट्रैक वगैरह भी बचे। तो अगर आपको एल्बम का रिव्यू और रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ भाई बता देना, मैं एक सिंपल एक नॉर्मल वीडियो बना दूंगा, फुल एल्बम रिव्यू प्लस रिएक्शन, अगर तुम्हें तुम्हारे कमेंट्स आए तभी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, तुम बता देना गाना कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना, बाय टाटा, बाय बेटे, लव यू ऑल।